नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आपका समय लूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लगभग 3,94,828 लोग कोरोना वायरस से और प्रभावित हो चुके होंगे। अब तक का आंकड़ा तो यही कहता है कि लगभग 4 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिसमें से लगभग 1,03,710 लोग रिकवर कर चुके हैं। पर दुख भरी खबर ये है कि इसमें से 17,226 लोग मर चुके हैं, और ये मृतकों का आंकड़ा छोटा नहीं है। पूरे वैश्विक स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो कोई भी दुनिया का देश इस कोरोना वायरस से अछूता नहीं रहा है। कंफर्म केसों की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड वाइड लगभग 4 लाख जो केसेस हैं वो कन्फर्म्ड है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि इन केसों की संख्या केवल आंकड़ों में है और इसे 3 गुना तक अधिक हो सकती है, क्योंकि लोग अपने आप को स्वयं को बचा रहे हैं। तो ये जागरूकता वाली बात है कि अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो मेडिकल हेल्प आपको लेनी चाहिए। ऐसा ही जो मामला था वो इटली, चीन और स्पेन में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो इटली में अब तक 6,077 केस ऐसे हुए हैं जिनमें मरीज की मृत्यु हो चुकी है। चीन में मृतकों की संख्या 3,277 पर पहुंच चुकी है, परंतु अब यह आंकड़ा थम गया है। स्पेन की बात करें तो निरंतर आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और लगभग 2,800 लोग स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। ईरान में लगभग 1,800 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फ्रांस जैसा विकसित देश 860 मृतकों की संख्या के साथ टॉप में 4th नंबर पर है, जबकि यूएसए जैसा देश 593 लोगों की मृत्यु के साथ 6ठे पायदान पर है। ये वो देश हैं जो भारत से कहीं आगे हैं तकनीकी और चिकित्सीय क्षेत्र में। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत के अंदर अब तक मृतकों की संख्या 9 हो गई है, और यहाँ पर जो केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मृतकों की संख्या 7 के ऊपर पहुंच गई है। आपके सामने जो स्लाइड्स आ रही हैं, इन स्लाइड्स में आपको विभिन्न देशों के प्रभावित लोगों की बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। जिस प्रकार से चीन के अंदर लगभग 81,000 लोग जो हैं कन्फर्म इससे प्रभावित हैं, ईरान के अंदर लगभग 23,000, इसी प्रकार से विभिन्न देशों में अलग अलग। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो लगभग 6,500 से ज़्यादा यहाँ पर केसेस हैं, जिनमें से 335 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड जैसा प्रसिद्ध और विकसित देश लगभग अपने देश के 300 लोगों को खो चुका है, और एग्जैक्ट बात करें तो 277 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और स्थिति सामान्य नहीं है। भारत में अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो 918 यहाँ पर केसेस आए हैं, जिनमें से लगभग 6 लोगों ने ही रिकवरी करी है, और अब तक ताज़े आंकड़ों के अनुसार 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो 519 कन्फर्म केस हैं। 3 गुना अगर इसको कर लिया जाए तो लगभग 1500 लोग भारत में इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और ये अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। हमारे यहाँ रिकवरी की संख्या केवल 37 है, और अगर डेथ की बात करें तो हमारे पास 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही डरावना आंकड़ा है। पूरे विश्व में सभी देश इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, घर के अंदर किसी भी प्रकार के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखें, क्योंकि ये देखने में आता है लोकल एरिया में कि लोग बोर हो रहे हैं कर्फ्यू की वजह से, तो वो जब टाइम मिलता है आने जाने का सुबह और शाम का, तो वो अड़ोस पड़ोस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो कृपया इससे बचें, लोगों को स्पष्ट रूप से मना करें। आप अगर मना नहीं करेंगे तो आपका परिवार खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आंकड़े लोगों को देखें और लोग इन आंकड़ों से समझें, सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें। कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको अपडेट देता रहूँ, और भगवान से प्रार्थना है कि ये कोरोना वायरस जो है ये राष्ट्रीय आपदा एक प्रकार से जल्दी शांत हो जाए। अभी हाल ही का एक वाकया हुआ है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा को 21 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो आप सोच लीजिए कि क्या 21 दिन बाद परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता है कि परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्योंकि अगर 21 दिन के लिए बढ़ा है तो जाहिर सी बात है आने वाले 3 महीनों तक
भारत इस महामारी से भीषण रूप से प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम आज इसको रोकते हैं तो हम 3 महीने ही प्रभावित होंगे, ज़्यादा नहीं। अगर हम आज अपने आप को नहीं रोकते हैं तो आने वाले 3-4 साल तक भी हम इससे प्रभावित हो सकते हैं। पूरी दुनिया खैर इससे 3 या 4 साल तक प्रभावित हो सकती है, परंतु हम कोशिश करें तो हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए और लोगों को समझाइए कि कोरोना वायरस मजाक नहीं है, यह मजाक का विषय नहीं है, यह एक सीरियस टॉपिक है। आप कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बचेंगे। जिन किस्सों को आप आज मजाक बना रहे हैं, भविष्य में आप नहीं होंगे अगर आप आज सावधानी नहीं बरतते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद। स्टे सेफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।